जैन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नए वीडियो में। अभी मैं हूँ प्रयागराज, संगम नगरी प्रयागराज में, और आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क। क्या कुछ अंदर है, कितने की टिकट है, सारी डिटेल आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए। यह टिकट काउंटर, और यहाँ से आपको लेना है टिकट। एडल्ट का प्राइस है 10 रुपये और चाइल्ड का प्राइस है 5 रुपये पर चाइल्ड, 5 ईयर्स टू 10 ईयर्स के लिए। आगे एक तरफ है चेकिंग काउंटर, जहाँ से आपको चेकिंग करानी है। ले लिया हमने टिकट और आगे की तरफ आपको करानी पड़ेगी चेकिंग। यह मेन गेट, और मेन गेट के सामने से जब आप देखेंगे तो ऐसा दिखेगा कुछ नज़ारा। सामने की तरफ एक रोड, रंग बिरंगी सी रोड जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती है, और इस पर छोटी छोटी गाड़ियाँ चलती हैं। जो आपने देखा होगा रेस वगैरह में, वैसी उस टाइप की कुछ गाड़ी चलती है, और इसको बच्चे बड़े कोई भी चला सकता है, और इसका अलग से आपको टिकट लेना होगा। देखिए ये वाली गाड़ी है जिसको लोग चलाते हैं और मज़े लेते हैं। यह 32 सीट मोशन थिएटर, और इधर तरफ एंट्री पॉइंट और इधर तरफ एग्जिट पॉइंट। डोंट वॉक की जो लाइन देख रहे हैं, यहाँ पर आपको पैदल नहीं चलना है। ऐसे गाड़ी चलेगी जो चाइल्ड चलाएंगे, बच्चे चलाते हैं, बड़ा खूबसूरत लगता है, और रात के वक्त तो और प्यारा लगता है ये। और यहाँ पर पार्क प्रशासन के कुछ निर्देश है जिसको वीडियो पॉज करके आपको जरूर पढ़ें, ताकि आपको काफ़ी हेल्प हो सके। अगर आपका बजट कम है तो आप वो वाली गाड़ी अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं, जिसकी स्पीड देख सकते हैं 20 किलोमीटर मैक्सिमम स्पीड यहाँ पर दी गई है, और ऐसा कुछ दिया गया है ये ट्रैफिक। और यहाँ पर ये दिया गया एक हैमर वाला गेम, जो आपने देखा होगा दुबई वगैरह में, दिल्ली वगैरह में, तो यहाँ भी है एक हैमर वाला गेम। अगर आपका स्कोर 999999 पहुँच जाता है तो आपको एक प्राइज़ मिलेगा। अब क्या प्राइज़ मिलेगा वो आप जब विन होगे तब दिखा जाएगा। और ये 50 रुपये का गेम है जिसमें आपको 2 बार हैमर मारने का मौका मिलेगा। सामने तरफ डिजिटल कैफे, अंदर चल के दिखाते हैं आपको कई तरह के यहाँ पर गेम है। क्या कुछ है अंदर चल कर देखते हैं। प्ले स्टेशन 150 रुपये आधे घंटे के लिए, प्ले स्टेशन 5 200 रुपये आधे घंटे के लिए। बड़ी सी LCD में आप गेम का आनंद ले पाएंगे, लेकिन प्राइस कुछ ज़्यादा लग रहा है मुझे। और एक गेम आपको ये देखने को मिलेगा, इसका आनंद ले सकते हैं छोटी LCD में खेलना चाहते हैं तो। और इधर भी एक छोटी LCD में गेम मिलेगा आपको, और एक आप इसका आनंद ये भी ले सकते हैं। इधर बास्केट बॉल भी दिया गया, इसमें भी आपको प्राइज़ मिलेगा अगर आपका स्कोर 480 एंड अबव होता है तो। यहाँ पर अगर आप कुछ खाने पीने के लिए लेना चाहते हैं जो कि सेल्फ सर्विस है, तो यहाँ पर आप ले पाएंगे। मेनू सामने लगा हुआ है रेड प्राइस के साथ में। और इधर की तरफ जब आप आएंगे, इधर की तरफ आपको एक लंबी सी रोड दिखेगी, बिल्कुल वैसे जैसे आपकी अपनी रोड होती है। और ट्रैफिक रूल्स को आप यहाँ पर समझ पाएंगे, खासकर ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्लेस है, और यहाँ पर बच्चे नहीं बड़े भी आते हैं। रोड पर बड़े बड़े टायर इसलिए लगाए गए हैं ताकि अगर आपकी गाड़ी किधर भी टकराती है या कुछ भी होता है तो आपको चोट ना आए। मुझे तो यहाँ की सबसे खूबसूरत चीज़ ये रंग बिरंगी लाइटें हैं ना, कितनी प्यारी लग रही है आप देख सकते हैं। ये सारे ना ऐसे लगाए गए हैं साइड साइड में टायर, ताकि कोई भी एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, किसी को चोट ना है। और बीच में बड़ा सा पार्क जहाँ पर आप बैठकर आनंद ले सकते हैं इन सारी चीज़ों का। रोड के बीच में देखिए जेब्रा क्रॉसिंग भी बनी हुई है, जैसे हमारी नॉर्मल रोड होती है वैसे इसको भी मेंटेन किया गया है। पार्क के एक दूसरे कोने पर यहाँ पर बच्चों के लिए खेलने के लिए कुछ झूले और कुछ एक्टिविटी के लिए भी चीज़ें लगी हुई हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहाँ अगर आपके साथ बच्चे आएँ तो उनको भी इसका आनंद ज़रूर दिलाएँ। जैसे रोड के किनारे बस स्टैंड होते हैं पास देने के लिए गाड़ियों के, वैसे यहाँ भी एक चौड़ा बनाया गया है, ताकि अगर सामने से कोई गाड़ी आ रही इधर स्कोर नहीं करके लोग दूसरी गाड़ी को पास दे सकें, या फिर अगर किसी को पास लेना है तो वहाँ से पास भी ले सकें। अगर प्राइस की बात करें तो इस पूरे पार्क का अगर आप चक्कर लगाना चाहते हैं तो 200 रुपये लगेंगे। 200 रुपये मात्र मात्र आपको 3 बार राउंड लगाने को मिलेगा। अगर आप 3 राउंड लगाएंगे तो मुझे लगता है 10 से 15 मिनट में आप 3 राउंड लगा लेंगे। मेरे हिसाब से तो ज़्यादा महंगा है, आपको क्या लगता है कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। यहाँ पर आके मुझे क्या फील हुआ मैं आपको बताता हूँ। प्रयागराज में कई ऐसी चीज़ें खुली और बंद हो गई, या फिर कुछ बंद होने की कगार पे है। रीज़न क्या है, यहाँ पर कोई भी बिजनेस खुलता है ना, कुछ भी काम शुरू होता है, तो जो भी ओपनिंग करता है ना उसको लगता है कि एक बार में जितना मिल जाए उतना खा लो। जैसे कि यहाँ के मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर जो कार चलाई जा रही है उस कार का प्राइस 200 है मात्र मात्र 3 राउंड लगाने के लिए। तो अभी नया खुला है, मुझे लगता है शायद आज उसकी ओपनिंग हुई है या कल इसकी ओपनिंग हुई थी। तो इतना अगर महंगा रहेगा तो मुझे लगता है, मेरे हिसाब से मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप यहाँ पर आओ, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। यही चीज़ एक्टिविटी अगर आप मुंबई या फिर दिल्ली में करते, लखनऊ में करते, तो आपको मेरे हिसाब से 100 के आसपास पड़ता। और जो मोशन थिएटर है इसका, उसमें क्या है, वर्चुअल एक शो है जहाँ पर आपको वर्चुअल पहनना पड़ेगा, उसके बाद आप जैसे पहाड़ों में चलते हैं, हाइकिंग करते हैं, वो सारी चीज़ें बेसिकली वर्चुअली, उसका भी प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से प्राइस वाइज अगर स्टार देने की बात आएगी तो सिंगल स्टार। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना कि आप कितने स्टार यहाँ पर देंगे। हाँ, एक बात और पॉजिटिव है कि प्रयागराज में एक नई चीज़ है, हो सकता है आगे चल के ये चीज़ का प्राइस थोड़ा सा कम कर दिया जाए, क्योंकि आपने देखा होगा फ्लोटिंग वाला जो रेस्टोरेंट खुला था ना, उसका प्राइस के चलते ही वहाँ पर प्रॉब्लम हो गई, और अभी वो उसकी हालात बहुत ज़्यादा बुरे हैं।
बाहर की पार्किंग की बात करूँ तो यहाँ पर बाहर की पार्किंग यही है, और सामने जस्ट सामने आपके हीरा हलवाई की शॉप है, और हीरा हलवाई के ठीक सामने आपको ये पार्क देखने को मिलेगा, ये हीरा हलवाई और जस्ट सामने आपके ये पार्क है, और यहाँ पर आप अपनी गाड़ी को पार्क करेंगे उसके बाद भी अंदर जा पाएंगे यहाँ से टिकट लेते हुए। यहाँ की लोकेशन के बारे में चलिए आपको थोड़ा सा और अपडेट कर देता हूँ कि अगर आप हीरा हलवाई की शॉप भी नहीं जानते तो आपको कैसे आना है। देखिए सामने ये वाला है तनिष्क का शोरूम और इसके बगल है सिटी कार्ट, और ये चौराहा आपको पता ही कौन सा चौराहा है, और इधर है हीरा हलवाई और इधर है धोबी घाट का पेट्रोल पंप, धोबी घाट पेट्रोल पंप है और चौक भी है, तो यहीं आपको रहना है। अब मुझे लगता है कि आप यहाँ तक आसानी से पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं और अगर आपको पार्क में एक्टिविटी महंगी पड़ रही है, महंगा लग रहा है, तो यहाँ पर इतनी दूर आने के बाद हीरा हलवाई का टेस्ट जरूर करें। शायद ही प्रयागराज का कोई ऐसा बंदा हो जो हीरा हलवाई की शॉप से परिचित ना हो। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना आखिरी बार आप हीरा हलवाई की शॉप पर कब विजिट किए थे।